में अब आपको सीधे लिए चलते हैं मथुरा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, जहां पर वो कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे हैं। तो तमाम तरह की जानकारियां मौजूद हैं, तमाम तरह की वो अब आपको बता दें कि यहां पर प्रधानमंत्री आज एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे हैं, जहां पर राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का भी वो शुभारंभ करेंगे और साथ ही साथ विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2019 में प्रतिभाग लेंगे। आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मथुरा में पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो कचरा बीनने वाली महिलाओं के साथ में बैठ के उन्होंने उनसे किस प्रकार से वो जो भी कचरा वो बीनती हैं उसको किस प्रकार से वो अलग अलग करते हैं, गीला कचरा किधर, सूखा कचरा किधर, कचरे में जो भी ठोस पदार्थ आते हैं उनको किस प्रकार से अलग किया जाता है, पूरा एक जो प्रोसेस है वो समझते हो, फिर उसके बाद उसको किस प्रकार से जो इकट्ठा किया गया कचरा है उसको एक मशीन में डाला जाता है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। हम आपको बता दें कि स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2019 में प्रधानमंत्री मोदी प्रतिभाग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिभाग किया और जो सबसे बड़ी बात जो उनको ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता बनाती है वो है कि वो जो कचरा बीनने वाली जो महिला है वो उनके साथ बैठ के किस तरीके से वो कचरा बीनने का काम करती हैं, किस प्रकार से कचरे को अलग अलग हिस्सों में वो करती हैं और उसके बाद उस कचरे को एक मशीन में डाला जाता है।
जिससे वो रिसाइकल्ड होता है। ये पूरा प्रोसेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उन महिलाओं के बीच में, उन महिलाओं के साथ में बैठकर उनसे ये सारी चीज सीखी। और सबसे बड़ी बात कि अभी कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग नस्ल की प्लास्टिक के खात्मे को लेकर जो एक अपना संबोधन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्लास्टिक को इस दुनिया से नष्ट किया जाना चाहिए और किस प्रकार से हम प्लास्टिक के उपयोग को धीरे 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 खत्म करें, ताकि प्लास्टिक से होने वाले जो नुकसान है उससे अभी की हमारी पीढ़ी और हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सके। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस समय उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद हैं। सबको जानकर हैरानी होगी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में इस समय प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ मौजूद है, जहाँ पर सबसे बड़ी बात वो अभी पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का वो शुभारंभ करने वहां पर पहुंचे हैं और किस प्रकार से जो वहां पे गौवंश हैं और भी जो अन्य पशु हैं उनके जो रोग होते हैं, तरह तरह के रोग होते हैं, उनके बारे में वो जानकारी लेते हुए और उन रोगों का निवारण कैसे हो उसके बारे में जानकारी लेते हुए। और अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने उन कचरा बीनने वाली महिलाओं से जाना था कि किस प्रकार से वो कचरे में से पॉलिथीन को अलग करती हैं और उसके बाद किस प्रकार से उस पॉलिथीन को रिसाइकल या नष्ट करने के लिए उस मशीन में डाला जाता है, ताकि जो पशु है जो कचरे में से ही कुछ ढूंढ के खाते हैं, भले ही वो गौवंश हो या अन्य कोई पशु हो, उनके पेट में वो पॉलिथीन या प्लास्टिक का कोई पदार्थ ना जाए, तो उसके लिए वो किस प्रकार से उस कचरे को अलग अलग करती है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उनसे जाना। और अभी पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत वो जान रहे हैं कि किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया की जाती है। और यहाँ पर जो मेडिकल साइंस की तरक्की है, पशुओं में भी 3D इमेजिंग की सुविधा जो शुरू हुई है उसके बारे में इस समय प्रधानमंत्री को जानकारी दी जा रही है। यहाँ पूरी जानकारी उनको दी जा रही है कि किस तरह से हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक गन के द्वारा कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं हमारी गन कहाँ पर सीमेन को डिपॉजिट कर रही है। यहाँ पर हमने कुछ देर पहले देखा था कि पशुओं के ऑपरेशन किए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टॉल्स ऐसे हैं जहाँ छोटे पशुओं के लिए भी शल्य चिकित्सा की प्रक्रिया है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मथुरा में पहुंचे हुए और एक बड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ कीड़े हो जाते करेंगे, दवाइयाँ पिलाई जाती है, तो ये सेक्शन हमारे छोटे पशुओं के लिए। आपको बता दें कि उनका इस समय जो फोकस है कृषकों और हमारे पशुओं की किस प्रकार से रक्षा की जाए, उनका किस प्रकार से उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर मौजूद, जो रोजगार है वो बढ़ा सकते हैं हमारे देश में। अलग अलग स्टॉल्स और हर स्टॉल पर जो विशेषज्ञ मौजूद हैं उनसे जानकारी लेते प्रधानमंत्री। पशुओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम की यहां पर शुरुआत की जाएगी और देश को करीब 40 मोबाइल पशु एम्बुलेंस की सौगात दी जाएगी। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मथुरा के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर विभिन्न कार्यक्रमों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाएगा, साथ ही साथ राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ यहां पर किया जाएगा और करीब 40 पशु एम्बुलेंस की यहां पर सौगात दी जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। इस समय पशुओं को होने वाले कई प्रकार के रोग व उनके निदान के बारे में वो जानकारी लेते हुए किस प्रकार से कौन से रोग की कौन सी दवाएं वहां पर पशुओं को दी जाती है, अलग अलग पशुओं की अलग अलग दवाएं हैं वो किस प्रकार से उन्हें दी जाती है,
इस सब की वहां पर जो विशेषज्ञ मौजूद हैं उनसे पीएम मोदी जानकारी लेते हुए। यहां आप देख सकते हैं कि पशु रोग से संबंधित विभिन्न यहां पर विशेषज्ञ और चिकित्सक यहां पर मौजूद हैं। थोड़ा और आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो एक गाय है इसको दवा देते हुए और उसकी जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वहां मौजूद हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर जोर दिया था अभी कुछ ही दिन पहले, और वहीं पर वो आज जहां वो पहुंचे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा केंद्र में, वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे कृषि विशेषज्ञ सुनील सुशीला शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय वहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन में वहां पे विश्वविद्यालय में माफ कीजिएगा वहां पे गए हुए, जहां पर वो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं, साथ ही साथ वहां पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2019 में भी प्रतिभाग करेंगे। और इस समय की अगर बात की जाए तो हमारे दर्शकों हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर वो पशु चिकित्सक हैं या जो पशु रोग के जो विशेषज्ञ हैं उनसे पशुओं को जो भी रोग होते हैं और उनके क्या निदान है उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपका इस बारे में? जी उमंग, देखिए सबसे पहले बात तो मैं आपको बताऊं कि ये जो इनका तरीका है प्रधानमंत्री मोदी का कि कोई भी काम को करते हैं तो उसे उत्सव के रूप में करते हैं जी, जिससे एक जागृति लोगों तक पहुंचती है, जो आदमी इससे ना जुड़ा हुआ हो उसे भी उसके बारे में पता चलते हैं। रही बात पशुपालन और पशुओं के रोगों के बारे में बात करने की, तो जो भी टीकाकरण योजना ये कर रहे हैं या जो इस तरह से भी गोमाता के नाम पे एक मिशन शुरू कर रहे हैं जी, उसकी वाकई में बेहद जरूरत है, क्योंकि जब से गोमाता को हम लोग भूले हैं, जब से गोबर को भूले हैं, जब से गोमूत्र को भूले हैं, तब से सिवाय बीमारियों को हमें कुछ मिला ही नहीं जी। और अगर इस तरह की कोई मुहिम शुरू होती है कि जिसमें पशुओं का टीकाकरण हो, पशुओं की गणना शुरू हुई है जी, जिसमें एक टैग उनके कान में लगा दिया जाता है मालिक के नाम के साथ, उनके कार्ड्स बन रहे हैं, तो वाकई बहुत ही अच्छा कदम है। इस कदम से ना केवल पशुओं को तो खैर फायदा मिलेगा ही, पर उनके द्वारा जो रोग आदमियों तक पहुंच रहे हैं जी, उन रोगों से छुटकारा मिलेगा और एक अच्छी जो दूध पशुओं के जो उत्पाद तैयार होते हैं वो एक अच्छे उत्पाद हमें मिलेंगे जी। बिल्कुल सुनील जी, और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं, और एक अच्छी बात हमने ये भी देखी जो वहां पर कचरा प्रबंधन करने वाली जो महिलाएं हैं उनके साथ बैठकर उन्होंने किस प्रकार ये वहां पर उनका जो पूरा प्रोसेस उन्होंने देखा, उनके साथ ही जमीन पर बैठकर किस प्रकार से वो कचरे में से प्लास्टिक या उसके जुड़े कुछ जो भी उत्पाद है पदार्थ है, भले वो कोई प्लास्टिक की बोतल हो या पॉलिथीन हो, वो किस प्रकार से वो कचरे में से उसको अलग करते हैं, फिर एक मशीन में उसको डाला जाता है जहां पर वो शायद या तो रिसाइकल होती है या वो नष्ट होती है, ये पूरा प्रोसेस खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उन महिलाओं के साथ बैठकर उनसे समझकर ये पूरा प्रोसेस जाना है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए इस बार आपको मैं आपको बता सकता हूँ, पीएम मोदी जब से सत्ता में आए हैं तब से उन्होंने, मैंने जैसे पहले की बताया कि वो जब भी कोई काम करते हैं तो बड़े विशाल रूप में करते हैं, वो एक ट्रेंड सेटर बन गए हैं। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जब से स्वच्छता मिशन चला है आज कोई भी आदमी कुछ भी फेंकने से पहले चारों तरफ डस्टबिन ढूंढने लगा है, बैक ऑफ द माइंड ये चीज होने लगी है कि डस्टबिन में डालना है। अब वो एक आदमी दूसरे आदमी से डरने लगा है कि कहीं कोई दूसरा मुझे न टोक दे। आज यही चीज अगर ये प्लास्टिक फ्री इंडिया का मुहिम अगर ये चलाते हैं, प्लास्टिक मुक्त भारत का मुहिम अगर शुरू होती है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। आज इसके परिणाम शायद ना मिले, पर हाँ अगर इसी तरीके से हम लोग भी इस चीज को अपना लेते हैं तो इसके बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। जी बिल्कुल सुनील जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कुछ ही दिन पहले एक सम्मेलन में भी कहा था, उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक पर जोर दिया था, और वो जो भी स्वच्छता से जुड़ी हुई बात हो वो हर जगह इस बात को जरूर दोहराते हैं कि हमें सिर्फ हमारी वर्तमान पीढ़ी या हमें अपने बारे में ना सोचकर हमारी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए कि हम उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल सही बात कही,
ये नहीं सोचना है कि फसलें खराब हो रही है, हमें ये सोचना है कि इन गलतियों से हमारी नस्लें खराब हो रही हैं। उन नस्लों को बचाना है तो इस मुहिम को चलाना होगा, गाय गंगा और गौ माता का बचाना होगा, ये सब चीजें हमें किसी न किसी तरीके से शुरू करनी ही पड़ेगी, और इससे बढ़िया समय और कोई नहीं हो सकता। जी बिल्कुल सुनील जी, आपने बिल्कुल सही कहा, गाय गंगा और गौ माता को बचाना अब हमारी एक जरूरत बन गई है, ताकि हम भी स्वस्थ रह सके और हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी एक स्वस्थ वातावरण छोड़ के जा सके। फिलहाल इस खबर पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पशु आरोग्य और पशु विज्ञान मेले का मुआयना करने के बाद अब प्रधानमंत्री, हम आपको बता दें कि प्लास्टिक फ्री इंडिया का जो प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रीम देखा है, उसी के तहत आज मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी ने एक महामिशन की यहां पर शुरुआत की है। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर उन्होंने ना सिर्फ प्लास्टिक फ्री इंडिया बल्कि उस प्लास्टिक से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं जो हमारी सेहत के लिए, गौवंश की सेहत के लिए और भी जो अन्य पशु है उनकी सेहत खराब करती हैं, ऐसे ही एक राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का उन्होंने वहां पर शुभारंभ वो करेंगे। और सबसे बड़ी बात, स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2019 में भी वो प्रतिभाग करेंगे। और अभी वो उत्तर प्रदेश में मथुरा के दौरे पर है, जहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। और सबसे बड़ी बात, देश को करीब 40 मोबाइल पशु एम्बुलेंस की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, जहां पे उन्होंने राष्ट्रीय पशु उन्मूलन कार्यक्रम भी लॉन्च किया है। हम आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है, यहाँ पर वो एक महामिशन की शुरुआत करने वाले हैं, कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का भी वो उद्घाटन करेंगे। और सबसे बड़ी बात, पशु आरोग्य मेले की उन्होंने यहाँ शुरुआत करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा के वेटरनरी विश्वविद्यालय में पशु आरोग्य मेले का शुभारंभ करने पहुंचे, और साथ ही साथ पशुओं में होने वाली जो अलग अलग बीमारियां हैं उनके टीकाकरण कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। और पीएम मोदी ने देश भर के लिए करीब 40 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर वो वहां पे रवाना करेंगे। आपको बता दें कि इस पूरी जो योजना का जो मकसद है वो गाय व अन्य जानवर जो सड़क पर जो गंदगी होती है, जो कचरा होता है, उस कचरे में जो मौजूद प्लास्टिक या उससे जुड़ी अन्य वस्तु है उनको वो खा लेते हैं, उस वजह से उनका स्वास्थ्य खराब होता है। और अगर कोई दुधारू पशु है तो उसके उस दूध से जुड़े उत्पादों से इंसानों की भी सेहत खराब होती है, तो उसको बचाना है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ प्लास्टिक कूड़ा अलग करने वाली मशीन का भी यहाँ पर जायजा लिया, उसको समझा, उसका इस्तेमाल किया और वहाँ पर मौजूद लोगों से बात की, और कचरा प्रबंधन करने वाली महिलाओं के कार्य में उन्होंने हाथ भी बटाया।
और हम बता दें कि आज राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत वो करेंगे और बड़े स्तर पर इसमें टीकाकरण शुरू करने की योजना है। साथ ही साथ वहां पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका वो अवलोकन कर रहे हैं, पशुओं में होने वाले रोगों के निदान के लिए जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं, विभिन्न प्रकार के जो मेडिकल उत्पाद हैं उसकी एक प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा ले रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महामिशन के लिए पहुंचे हुए हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पशु आरोग्य मेले में मौजूद हैं और जहां पर वो पशुओं के रोगों से जुड़ी दवाइयां और किस प्रकार से पशुओं के जो खाद्य पदार्थ हैं वो, और सबसे बड़ी बात जो कचरा संग्रहण होता है वो किस प्रकार से प्रॉपर तरीके से, उसकी जानकारी ली और पशुओं को दिए जाने वाले चारे में हम क्या कुछ नया उसमें हम ऐड कर सकते हैं, चारे के संरक्षण का उत्तम विकल्प के बारे में वहां पर मौजूद जो स्टॉल्स हैं उनका वो जायजा लेते हुए